आज हम लोग बैठे हैं मीडिया बंधु के साथ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, चाहे सोशल मीडिया से जुड़े हों, सबों से हम लोग आज बैठ के बात किए हैं कि बाढ़ के विकास और बेहतर उन्नति के लिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलें। और हम लोग बाढ़ के विकास के मुद्दे पर एक साथ बैठ करके राय मशविरा किए हैं, विचार विमर्श किए हैं। सर, आज बहुत अच्छा लग रहा है, मुख्य पार्षद के साथ आप बैठे हुए हैं और इसके पहले आज तक कभी नहीं ऐसा देखा जा रहा था, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा लोगों ने प्रत्यक्ष में नहीं देखा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं हमेशा बाढ़ के विकास के लिए प्रयत्नशील हूं और अध्यक्ष महोदय भी बिहार बाढ़ के विकास के लिए इनकी रुचि है। और आज जो आयोजन हुआ, जिसमें सारे पत्रकार भाई और बहुत सारे वार्ड पार्षदों ने भी हिस्सा लिया, तो आज इस आयोजन से हम लोग का बाढ़ के विकास के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है और बढ़ गई है। ये नगर परिषद में आज क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया था आप लोग के द्वारा, वितरण भी कुछ? नगर परिषद में आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो गरीब ठेले खोमचे वाले हैं उनको स्मार्ट आईडी कार्ड और सीओवी का वितरण किया गया है। सर, एक बात बताइए, आपके जो पार्क बन रहा है नगर परिषद क्षेत्र में, उसमें ऑब्जेक्शन की थी कोई महिला, उस बारे में आपका क्या कहना है? उनका ऑब्जेक्शन एकदम निराधार है। वार्ड नंबर 17 में चिल्ड्रन पार्क बनाने के लिए जो NOC है, वो जगन्नाथन विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा ले लिया गया है, उसके बाद ही निविदा करके और कार्यादेश देकर निर्माण प्रारंभ किया गया है। तो इस तरह उस पार्क के निर्माण में कहीं से कोई अनियमितता नहीं है। सुविख्यात उमानाथ का सौंदर्यीकरण का कार्य विकास कैसा है, क्या चल रहा है उसमें? उमानाथ का सौंदर्यीकरण कार्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है और वो अपने तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं। नगर परिषद की इसमें कोई विशेष भूमिका नहीं है। एक प्रश्न और, बार बार आपके सफाई कर्मी हड़ताल पर क्यों चले जाते हैं? ये सफाई कर्मी बार बार हड़ताल पे उनका जाना उनका मनमाना रवैया है। नवंबर महीने तक उनका वेतन अद्यतन है, उनका कोई भी वेतन बकाया नहीं है। अगर उनकी कोई भी मांग है तो नियमानुसार वो उसके लिए हमारे समक्ष ला सकते थे, परंतु अपने मनमाने रवैये का सबूत देते हुए वो हड़ताल पे बार बार चले जाते हैं। नाइट व्यवस्था तो थी, सफाई व्यवस्था जो चेयरमैन साहब ने शुरू कराया था, उसको फिर से चालू कराने की है मंशा आपकी? स्वच्छता सर्वेक्षण में रात्रि सफाई एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको हम लोग देखेंगे कि ये सुचारू रूप से हो, ताकि आगे इसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बाढ़।